यार बहुत लंबा दिन था और आज मैंने पहली बार जिंदगी में जी यूज करा नमस्ते मेरा नाम प्रिया है और हम अपना नया घर बना रहे हैं तो मैंने आज सुबह उठ के पानी पिया और हमें बहुत भूख लग रही तो हमने सोचा चलो सब कुछ छोड़ो पहले खाना खा लेते हैं बहुत स्वाद था फिर मैंने अपने कपड़े बदले अपना यूनिफॉर्म पहना और फिर बाहर जाके मैंने अपने ग्लव पहन लिया क्यूँकी मुझे लकड़ी से हाथों में काटे नहीं चाहिए फिर हमने मरीन प्लाईवुड को उठा के इस टेबल पे डाला और इस बार हर कोने को मेजर करने के लिए हमने गत्ते का डब्बा यूज करा और क्यूँकी ये गत्ते का डब्बा फिट हो गया इसको बस मरीन प्लाईवुड के ऊपर डाल के आउटलाइन ही तो करना है और हमें लग रहा था कि ये बस दो मिनट का काम होगा यार हम बहुत गलत थे तो फिर सीधे सब कुछ काटने की शुरू करी फिर मुझे लग रहा था मैं ट्राई करती हूँ इस जिग्सो को यूज करने में मैंने सैंडिंग करी फिर मैंने सोचा चलो इस सेक्शन को मैं काटती हूँ मैंने जिक्सो बस धीरे धीरे से चलाया और देखो कट रहा है। चलो मेरी लाइन सीधी नहीं थी पर थोड़े टाइम के बाद प्रैक्टिस होके सीधी हो जाएगी बट नॉट बैड फिर मैंने सिट को वापस दे दी जिक्सो ये सारा काट के हमने अपनी फैली फिटिंग करी पर दुख की बात है कि ये पहली बार में फिट नहीं हुआ पर कोई बात नहीं हमने छोटा मोटा इधर उधर थोड़ा सा काट दिया सैंड कर दिया और फिर से कोशिश करते हैं और यार फिर हमने दूसरी बार फिट करने की कोशिश करी और फिर से फिट नहीं हो फिर हमने फिर से मेजर करा फिर से काटा और फिर से वापस अंदर डाला और वो oh फाइनली ये फिट हो ही गया आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी बहुत पेशेंस लगा इसमें और कल मिलते हैं बाय आज पूरा दिन लगा पर हमने लकड़ी चिपका दी नमस्ते मेरा नाम प्रिया है और आज सुबह मैंने उठ के बिस्तर में से थोड़ा सा पानी पिया और फिर मैंने अपने बैम्बू ब्रश के साथ अपने बालों को भाई फिर मैंने जल्दी से कपड़े बदले ये हमारा यूनिफॉर्म है सनस्क्रीन लगाया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में धूप बहुत तेज होती है गर्दन पे भी लगाया और फिर मैं भाग की आज बहुत बड़ा काम करना है चिपकाने का इसके लिए हमें तीन चीज चाहिए लिक्विड नेल्स का ग्लू लकड़ी ऑब्वियसली जिसको हमें चिपकानी है और पहले तो हमने अपनी लिक्विड नेल्स की चोट को काटी सिद्ध सारा फाइनल चेक कर रहा था और फिर सीधा ग्लू डाल दिया हमने तो हम लिक्विड नेल्स यूज कर रहे हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू है ये इतना स्ट्रांग है कि हमको स्क्रू यूज करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर बड़े सारे वेट डाल दिए और इसको आठ घंटे के लिए हम ही ला नहीं सकते तो हम अगले तीन घंटे के लिए बस ग्लू लगा रहे थे और लकड़ी चिपका रहे थे और मुझे ना ऐसी छोटी मोटी चीजों में बहुत मजा आता है जैसे ग्लू लगा रहे हैं तो मैंने बोला मुझे लगानी है सारी ग्लू और ऑनेस्टली तो इसका कलर थोड़ा ब्राउन था तो ये बिल्कुल चॉकलेट तरह लग रहा था फिर हमने और लकड़ी डाली फिर और वेट डाले और ये बहुत घंटों के लिए कटते गए और बताना ग्लू को हिंदी में क्या कहते हैं और यार इस ग्लू को चौदह घंटे के लिए बैठना पड़ता है दो ट्यूब खत्म होगी हमने ढेर सारा सामान डाल दिया इस लकड़ी पे ताकि हमारा लक लकड़ी मेटल के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाए और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कल मिलते हैं बाय आज हमने छोटी मोटी चीजें करी अपनी वैन में पर यह बहुत जरूरी चीजें हैं नमस्ते मेरा नाम प्रिया है और हम अपना नया घर बना रहे हैं तो आज सुबह मैंने बिस्तर में से निकल के थोड़ा सा पानी पिया और मैंने अपने पैम ब्रश के साथ अपने बालों को भाए फिर मैंने अपने कपड़े जल्दी से बदले काश कपड़े इतने जल्दी से बदल जाते फिर हमने अपना वैन को खोला और याद है हमने कल ढेर सारे वेट्स डाले थे ताकि वो लकड़ी मेटल के साथ चिपक जाए तो हमने वो सारे उतार और पता है हमारे सारे वेट खत्म हो गए थे तो हमने ड्रॉप सो डाला लकड़ी डाली ब्लोअर डाला यार कुछ भी डाल दिया ताकि वेट का काम करे कर करा के यार सारा खाली हो गया और अब वक्त है डालने का और अब पूछ कि किलमैटलेशती है क्या मेटल में से जो आती है उसको रोकता है कॉन्टेक्ट पेपर की तरह इसको पील करके बस चिपकाना होता है और यार हिंदी में मेटल को क्या कहते हैं और ये बहुत आसानी से लगता है पर वक्त बहुत लगता है और बहुत ध्यान से रोल करना पड़ता है ताकि ये हर कोने पे चिपक जाए फिर हम दोनों के साथ में कर रहे थे जैसे यहाँ पे दिखता है इसमें तीन घंटे लग गए थे हम बहुत ध्यान से कर रहे थे बहुत प्रॉपरली तो ये पहला काम हो गया आज का दूसरा काम था कि इस हर स्क्वायर में इंसुलेशन काट के डालनी है पहले तो मेजर करा बहुत ध्यान से और फिर काटा ये बेसिकली स्टायर फॉर्म है और इसके ऊपर थोड़ा फॉयल है इससे क्या होगा जब बाहर गर्मी है वैन के अंदर ठंड होगी और जब बाहर ठंड है वैन के अंदर गर्मी रहेगी फिर हमने अपना पहला स्क्वेयर काटा वैन में गए हम और ये परफेक्टली फिट हो तो गया अब हमें बस इस पूरे वैन में करना है और पूरा दिन लग गया पर हमारा इंसुलेशन हो है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कल मिलते हैं बाय